A very good evening to all of you students. Good evening to all of you students. Please get connected fast in the evening session of the animal kingdom. And in this session, we are going to discuss the detail of Platyhelminthus phylum. So, please get connected fast. We are going to start the Platy session. Share this video, please, students, with your friends. Okay, we are starting from the Platyhelminthes. Yes, good evening. Good evening to all of you. Hello and good evening to all of you. Yes, good evening. Yes, get connected with her, get connected.

ओके वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिटेल ऑफ द प्लेटी ओके सबसे पहले साइंटिस्ट थे एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज जीजन बोर। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज़ जीजन बोर। और जीजन बोर साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया था प्लेटी हेलमेंथिस को एनिमल किंगडम का जीजन बोर ओके okay, सबसे पहले जीजन बोर साइंटिस्ट ने प्लेटी हेलमेंथिस को एनिमल किंगडम के अंदर एनिमल किंगडम के अंदर अभिषेक हेलो बेटा एनिमल किंगडम के अंदर जगह दिलवाई थी और इस प्लेटी हेलमेंथीज में लगभग जो मेंबर्स प्लेस किए गए हैं लगभग ट्वेंटी थाउजेंड मेंबर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनमें से लगभग एटी फाइव परसेंट जो हैं वो पैरासिटिक होते हैं एंड दे मे बी एंडोपैरासाइट ऑल्सो एंडोपैरासाइट विद इन द बॉडी ऑफ द एनिमल्स एज वेल एज दे आर एग्जो पैरासाइट ऑल्सो दर फाउंड ऑन द बॉडी क्लियर लेकिन इसमें कुछ कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं बट फ्यू आर फ्री लिविंग ऑल्सो फ्री लिविंग ऑल्सो फ्री लिविंग वो कहाँ कहाँ पे रहते हैं दे आर फाउंड ऑन द टेरेस्ट्रियल जोन ऑल्सो ओके दे आर फ्रेश वॉटर ऑल्सो फ्रेश वॉटर एंड फ्यू आर मेरीन वेरी फ्यू आर मेरीन ऑल्सो सबीर हेलो बेटा ओके नेक्स्ट नेक्स्ट करेक्टर पढ़ते हैं इसमें ये yes, यहां पर डिस्कस किया गया है कि जो फ्रेश वॉटर है मेरीन भी है एंड द टेरेस्ट्रियल में भी ये फ्री लिविंग फॉर्म में दिखते हैं दे आर फाउंड एन फ्री लिविंग फॉर्म ओके चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट इनके जर्म लेर के करेक्टर पे जम लेयर्स कितनी जर्म लेयर्स इनके अंदर मिलती हैं सो so, फर्स्ट टाइम एनिमल किंगडम में हमने जितने भी पीछे पड़े हैं हमने पोरी पहरा पड़ा सीलन टेटा टीनोफोरा उनमें सारे के सारे दे आर डिप्लोब्लास्टिक लेकिन आर सेड टू बी हेलो सो so दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनके अंदर तीन जम लेयर होती हैं एक्टोडम मिजोरम एंड एंडोडम पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम ट्रिप्लो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे बॉडी जम लेयर का ऑर्गेनाइजेशन दिखता है क्लियर यहाँ पे आपको डिफाइन भी कर रखा है कि हमने निडेरियाज पढ़े थे वो निडेरियाज कैसे थे डिप्लोब्लास्टिक थे एंड ए थे वो है ना उनके अंदर क्या था सिलोम नहीं था लेकिन प्लेटी हेलमेंट फर्स्ट टाइम ट्रिप्लो ब्लास्टिक अपियर हुए हैं भाई लेकिन ये भी कैसे हैं दे आर आल्सो ए सिलोमेट मतलब दे डोंट हैव स्टिल नो एनी बॉडी कैविटी उनके अंदर एक ट्रू सिलोम नहीं मिलता है जैसे अगर निडेरियाज की बात करें तो निडेरियाज के अंदर एक्टोडम एंडोडम मिल रही थी और उसमें सीधी गट प्रेजेंट थी यस और उनके बीच में हमें मिजोगलिया देखने को मिला था लेकिन अगर हम बात करें प्लेटी हेलमेंथीज की जबीर सा हेलो बेटा उसके बाद में अगर हम बात करें प्लेटी हेलमेंथीज की तो तो हमें एक्टोमीजोर, मिल रही है विद गट, लेकिन देर जो नो एनी तो यहां पर इनके बीच में हमें फ्लूड मिलता है एंड दैट फ्लूड इज नोन एज द पैरनकाइमा दैट फ्लूड इज नोन एज पैरनकाइमा यस उसके बाद में आने वाले जो भी स्लाम जिसकानी हैपन बेटा दे हैविंग ए फ्लूड फिल्ड स्पेस एंड दैट फ्लूड इज नोन एज द पैरन कायमा ओके सो वट इज द स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट द is they have the triploblastic body level of organization, but they don't have any true silo. But that type of the cavity, is gut, it is filled by a connective fluid, and that is known as the parenchyma. Okay, and this parenchyma basically help in the transportation. They help in the food material and oxygen transportation. विथ होल दॉडी इसके बाद में नेक्स्ट है नेक्स्ट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो नेक्स्ट फाइल के अंदर आएगा Mollusks, and the के अंदर, वो क्या आएगा दे आर ट्रिप्लो प्लास्टिकली हैविंग द एक्टोडम मिजोडम एंड एंडोडम नियती हैविंग द एक्टोडम मिजोडम एंड एंडोडम बट दिस गट इज हैविंग ए ट्रूसिलोम ओके इस गट के अराउंड क्या होता है ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है एंड दिस सिलोम इज फ्लूड बाय फिल्ड बाय ए फ्लूड कैविटी जिसको हम बोलते हैं सिलोमिक फ्लूड एंड दूड इज नोन एज द सिलोमिक फ्लूड यस स्टूडेंट्स ओके वी आर मूविंग ऑनवर्ड सो अब हम आते हैं बॉडी सिमिट्री के ऊपर बॉडी सिमिट्री देखें तो बेसिकली दे आर मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स टू हैव बायलेटरल सिमिट्री फर्स्ट टाइम एनिमल्स के अंदर फर्स्ट टाइम उन्होंने जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू बॉडी सिमिट्री देखा था वो क्या था दे आर बायलेटरल सिमिट्रिकल एंड दे शोइंग ए लिटिल बिट सिविलाइजेशन व्हाट इज सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन इज फॉर्मेशन ऑफ हेड इट इज फॉर्मेशन ऑफ हेड इनके अंदर हेड फॉर्मेशन हमें दिखता है एग्जैक्ट वे में तो इसीलिए इनके अंदर आपको एक हेड दिखेगा विद स्कोलेक्स एंड ऑल द पार्ट ओके हमें इस तरह इसमें हेड अपियर होता है जस्ट लाइक यू आर ऑब्जर्विंग इन दिस ऑल्सो इट इज हेड फॉर्मेशन ओके okay? सो so, ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर मोस्ट प्रमेटिव है बाइलेट्रल सिमिट्री इनके अंदर लिटिल बिट मिलती है एंड सिविलाइजेशन भी इसके अंदर हमें देखने को मिलता है ओके एंड विद ए फ्यू सेंस ऑर्गन ऑन देयर हेड आल्सो सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनके पास सबसे पहले हमें सेंस ऑर्गन देखने को मिले थे जैसे कि इनके पास हेड के ऊपर क्या होते हैं सीलिया प्रेजेंट होते हैं इनके हेड के ऊपर सेंसेशन के लिए टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा इनके हेड के ऊपर हुक्स प्रेजेंट होते हैं इनके हेड के ऊपर स्कर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा इनके हेड के ऊपर कीमो रिसेप्टर्स भी मिलते हैं दे आल्सो हैविंग द कीमो रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर्स आल्सो ऑन देयर बॉडी ओके सो Uh, so इसका मतलब ओवरऑल आपको क्या पता चला है कि इनके हेड के ऊपर सेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट हैं एंड दे बिकम लोकलाइज इन एनिमल ओके और सिर्फ और सिर्फ हेड वाले रीजन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं इसीलिए कहते हैं कि एंटीरियर पार्ट पर इनके सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं पॉइंट टू बी नोटेड वी ऑलरेडी डिस्कस इनके पास कोई सिलोम नहीं होता तो ये क्या होते हैं ए सिलोमेट होते हैं डाइजेस्टिव ट्यूब विदेस बिटवी द एक्टोडम एंड एंडोडम एक्टोर एंडोडम के बीच में जो स्पेस होता है उसमें इनके पास ट्यूब मिलती है जिसको हम बोलते हैं गट बोलते हैं एंड दैट इज कनेक्टेड विद सेलुलर पैकेजिंग दैट इज ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पैर इज ए फ्लू एंड दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मेटीरियल ऑफ फूड मेटीरियल ओके नेक्स्ट बिकॉज दे शो मोर स्पेशलाइजेशन पीछे के फाइलम के कंपैरिजन में इनके पास ज्यादा स्पेशलाइजेशन होती है एंड डिवीजन ऑफ लेबर भी मिलती है सो दे है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ डेवलपमेंट तो इनके अंदर आपको रियल में क्या देखने को मिला है दे शोइंग ऑर्गन लेवल ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओके नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है मतलब माउथ और एनस जो है वो दोनों के दोनों सेम जगह पे ही प्रेजेंट होते हैं एंड सो इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो गया इनकम्प्लीट हो गया एंड बिकॉज दर इज ओनली वन ओपनिंग वन क्लास इनकी सिस्टोडा जो होती है उनके पास जैसे कि टेप वम है जिसका एग्जाम्पल ये भी हम डिस्कस करेंगे दे डोंट हैव नो एनी डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ बॉडी वॉल के थ्रू ही पूरी बॉडी का इसके अंदर जो भी सिस्टम होता है वो इसमें टेक प्लेस होता है ओके okay? उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है और वो कैसे होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है ऑफ द टू लेटल कैनाल विद द फ्लेम सेल्स इनकी बॉडी के अंदर फ्लेम सेल्स होती हैं मैं थोड़ा तो स्ट्रक्चर बनाती हूँ कि फ्लेम सेल्स कैसी प्रेजेंट होती हैं इनमें they are little bit appearing in this way in this way and they having a nucleus and they having cytoplasm and they having a cluster of cilia here these are cilia it having nucleus इट जम सो इस सेल की जो अपियरेंस होती है वो कैसी होती है फ्लेम के जैसी होती है तो इसलिए इनको फ्लेम सेल्स बोलते हैं दे आर नोन एज दीज आर एक्सक्रेटरी इन नेचर ओके एक्सक्रेटरी सिस्टम बहुत बार पूछा गया है फ्लेम सेल्स किसमें होती हैं या प्लेटिस के अंदर ऑर्गन ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है सो so, बेसिकली सेल्स ओके नेक्स्ट नो एनी सर्कुलेटरी या गैस एक्सचेंज सिस्टम इनके अंदर कोई भी हमें नहीं देखने को मिलता उसके बाद में नेक्स्ट है दे हैव द सिंपल सेंस ऑर्गन्स जैसे कि आई स्पॉट्स इनकी बॉडी के हेड रीजन के ऊपर आई स्पॉट्स मिलते हैं एंड दैट इज नोन एज ऑसिली इन कीमो रिसेप्टर इन मोस्ट ऑफ द फ्लैटवॉर्म्स कीमो रिसेप्टर स्ट्रक्चर भी मिलते हैं स्पेशली जैसे कि ऑरिकल्स ऑफ द प्लेनेरिया इसमें एग्जाम्पल है नेक्स्ट सम हैव द स्टेटोसिस्ट फॉर द ग्रेविटी एंड सम हैव द रियोस्टैटिक फॉर द वॉटर करंट डायरेक्शन ओवरऑल इनके पास स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन मिलते हैं इनकी बॉडी के अंदर ओके नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स आर मोनोशियस मतलब दे हैविंग द सिंगल सेक्शुअल ऑर्गन बट यूजली विद वेल डेवलप्ड गोनेड्स एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होती है सम यू द डायरेक्ट ए समो है सॉरी जिसमें क्या होता है कि जो मेल एंड फीमेल ऑर्गन है दीज आर फाउंड ऑन द बोथ सेम बॉडी तो इसीलिए फर्टिलाइजेशन टेप वोम एग्जाम्पल है दे हैविंग द इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है किसी किसी में डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है कि डायरेक्ट का मतलब यंगम्स जो होते हैं वो डायरेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं और किसी किसी में जो डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है ओके डेवलपमेंट इज फ्यू इन द इनडायरेक्ट एंड हैविंग द लार्वल स्टेज जिसका जैसे कि टीनिया सोलियम वगैरह का इसमें भी करेंगे ओके नेक्स्ट ओके उसके बाद में नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें इनके अंदर तो नर्वस सिस्टम इज विध वन टू फाइव पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड पूरी बॉडी में लेंथ वाइज इनके क्या होती है नर्व कोड होती है और एक से पांच पेयर जो होते हैं वो गेंगलियान मिलते हैं मान लीजिए अगर इनकी बॉडी ऐसे है सो दे हैविंग टू लॉन्गिट्यूडनल पेयर्ड स्ट्रक्चर विद वन टू फाइव गैंगलियोन इन ईच एरिया ओके तो इस तरह होता है और स्केलेटन जो होता है इसका वो कैसा होता है हाइड्रोस्केलेटन होता है हाइड्रोस्केलेटन का मतलब द स्केलेटन इज फिल्ड विद द वाटर एंड दैट इज नोन एज द हाइड्रो डाइवर्सिफाइड okay? क्लासेस होती हैं, जिनको हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन सी है फर्स्ट है क्लास टर्बिलेरिया जिसको हम बोलते हैं दे आर कॉमन टाइप कॉमोशन टाइप इसमें ऐसे होता है क्या दे आर जस्ट फील जस्ट लाइक दे आर फ्लोटिंग इन देयर नेचर दूसरा होता है द क्लास में टोडा और जो में टोडा क्लास होता है उनका नाम बोला जाता है परफोरेटेड टाइप जस्ट लाइक उनके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं नेक्स्ट आगे क्लास आती है इसकी मोनोजीना जिसको बोलते हैं सिंगल काइंड मोनोजीना के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं वो एक ही तरह के बने हुए होते हैं दे डोंट हैव एनी ड्यूबल स्ट्रक्चर्स ओके और नेक्स्ट क्लास होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मॉडिफाइड दैट इज क्लास एंड दे उसको हम बोलते हैं गर्डल फॉर्म क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर इसके ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ओके okay, अब हम पढ़ते हैं इनकी फर्स्ट क्लास दैट इज क्लास ऑफ टर्बिलेरिया ओके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं फर्स्ट टर्बिल एरिया के क्या क्या इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ओके द मोस्ट आर द फ्री लिविंग एंड नॉन पैरासिटिक सो so, इसका मतलब टर्बिललेरिया ही क्लास वो क्लास है जिसमें मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर फ्री लिविंग एंड दे आर नॉन पैरासिटिक वो पैरासिटिक नहीं होते बॉडी की लेंथ देखें तो 5 एवं से 50 सेंटीमीटर तक इनकी लेंथ चली जाती है ओके एंड लोकोमोशन इनकी बाय द हेल्प ऑफ सीलिया या स्लाइम ट्रेल्स जो होते हैं इनकी बॉडी स्ट्रक्चर उनकी हेल्प से ये रेंग करके चलते हैं जस्ट लाइक दिस ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं हम के बारे में, well और और जाता है इसकी प्रीवियस इस फाइलम इस वाले भी करेक्टर होते हैं प्लेनेरिया में डी स्टूडेंट्स आपने प्लेनेरिया को रिजनरेशन में बहुत बहुत पढ़ा होगा कि प्लेनेरिया शो रिजनरेशन इन देंथ क्लास सो कैसे होता है वो हम इसको पढ़ते हैं एंड प्लेनेरिया इज एक्ट

प्लेनेरिया इसको कितने भी पार्ट में काटोगे उतने ही प्लेनेरिया, नए प्लेनेरिया जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं कैसे मिडल ऑफ द बॉडी विल ग्रो बोथ ए न्यू हेड एंड टेल इसका मतलब प्लेनेरिया मान लीजिए ये प्लेनेरिया था ओके और आपने क्या किया इस प्लेनेरिया को यहां से काट दिया इस बीच वाले पार्ट का तो ये हेड पार्ट भी बना सकता है ये टेल पार्ट भी बना सकता है ओके okay, सो so इसका मतलब इट हैव एबिलिटी टू द हेड एज वेल एज द न्यू टेल पार्ट एंड जो प्लेनेरिया है वो कहाँ मिलता है हमें फ्रेश वाटर में मिलता है एंड सम आर फ्यू इन द मोस्ट सोयल यूजली लिविंग अंडर द रॉक्स और द रोटिंग लॉग्स ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में हमें ये मिलता है ओके okay, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लास हमारी दैट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रीमेटो ट्रीमेटोडा क्लास के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स आती हैं जो ब्लड सक करने वाली होती हैं इसके अंदर टोटल मैंने मेंबर आपको ट्वेंटी थाउजेंड मेंबर बताए थे और ट्वेंटी थाउजेंड में से इलेवन थाउजेंड मेंबर तो फ्लूक्स के ही होते हैं इसका मतलब जो ट्रीमेटोडा क्लास है वो सभी में सबसे मेन बड़ी क्लास है ये ओके

दे हैव स्ट्रक्चुरल एडेप फॉर पैरासिटीज्म भाई उनको हमारी इंटेस्टाइन के अंदर रहने के लिए बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया है अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन शो किया है क्या क्या इवोल्यूशन है वो क्या क्या चेंज है फर्स्ट दे हैव पैनिट्रेशन ग्लैंड और ग्लैंड टू प्रोड्यूस सिस्ट मटीरियल पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर उनके पास क्या होती है सिस्ट लेयर होती है कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट इंटेस्टिनल जूसेस वगैरह जो है वो उसको खा ना जाए उनको डिग्रेड ना कर जाए क्योंकि इंटेस्टाइन में तो सब कुछ डिग्रेड हो जाता है जैसे कि उसमें आप लिपिड्स का एग्जाम्पल ले लो उसमें आप प्रोटीन्स का एग्जाम्पल ले लो सब कुछ डिग्रेड हो जाएगा तो इनकी बॉडी भी उन्हीं की बनी हुई है तो ऑब्वियसली ये डिग्रेड ना हो जाए तो उसको रोकने के लिए इनके बाहर एक सिस्ट लेयर डेवलप हो जाती है पॉइंट वन दूसरा है दे आल्सो हैव पेनिट्रेशन ग्लैंड विद द हेल्प ऑफ दैट सक ऑन द ऑफ आवर बॉडी ओके नेक्स्ट दे हैव ऑर्गन फॉर एडह एरिया के लिए एक पर्टिकुलर अटैचमेंट के लिए हमारे इंटेस्टाइन के अंदर दे हैव स्पेशलाइज्ड हुक्स अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि मान लीजिए ये इनकी हेड पार्ट है तो इनके हेड पार्ट पे यहाँ इनके हुक्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे इनके प्रेजेंट होते हैं दे हैविंग हुक्स एज वेल एज वजह से वो टाई करते हैं और सकर की वजह से वो ब्लड सक करना स्टार्ट कर देते हैं दे हैविंग स्पेशल ऑर्गन फॉर एडेशन जैसे कि हुक्स एंड द सकर्स नेक्स्ट इंक्रीज रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी वो बॉडी के अंदर ही रह करके रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर लेते हैं एंड दे प्रोड्यूस ए ह्यूज नॉर्मस अमाउंट ऑफ द एग प्रोडक्शन इन देयर बॉडी ओके नेक्स्ट द सेंस ऑर्गन्स आर पुअरली डेवलप्ड और एबसेंट इनकी बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन डेवलप नहीं होते ट्रीमेटोडा में क्योंकि सेंस ऑर्गन उनमें ज्यादा डेवलप होते हैं जो बॉडी के बाहर ज्यादा रहते हैं जिनको एनवायरमेंट के अंदर घूमना होता है नेक्स्ट आती है ट्री में टोडा इतनी जो बड़ी लंबी क्लास है उसकी एक सब क्लास बना दी गई जिसको बोलते हैं हम डाइजीना डाइजीना का मतलब क्या होता है डाइजीना मतलब डबल रेस इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ को दो होस्ट के बीच में कंप्लीट करते हैं जिनकी लाइफ साइकिल एक होस्ट में ना कंप्लीट होकर दो होस्ट को रिक्वायर करती है

मिलते हैं ओके सो द एग्स पासिस इन द फीकिस एंड मस्ट रीच द वॉटर इनके जो एग्स होते हैं वो जिसकी बॉडी के अंदर रहते हैं उनके फीकल मैटर के थ्रू उनके वेस्ट के थ्रू निकल करके वाटर में चले जाते हैं अब जो एग्स होते हैं वो वाटर में मूव करते करते मान लीजिए अगर मैं आपको साइड में लिखवाऊं यहाँ पे कि ये मान लीजिए होस्ट था इनका दिस इज होस्ट और होस्ट के फीकल मैटर से फीकल मैटर से कहाँ चले गए वाटर में चले गए और वाटर में जाकर के फ्लोट करके इनके जो एग्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं दे प्रोड्यूस लार्वा। यहां जो एग है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस मीरासीडियम लार्वा एंड दिस मिरासी लार्वा जो है फाइंड स्नेल and it enter into a snail it find a snail and penetrate the tissue to form a sporocyst so snail ke andar ja kar ke ye kya bana dete hain they form a sporocyst and inside the snail the sporocyst produce many rhidia larva और इस sporocyst से क्या बनते हैं फिर बहुत सारे रीडिया larva बनते हैं द sporocyst undergoes and form रीडिया larva by the हेल्प ऑफ द सिंपल ए सेक्शुअली प्रोडक्शन ये जो रीडिया लार्वा है अब इस रीडिया लार्वा से नेक्स्ट बनता है सरकेरिया लार्वा सरकेरिय लार्वा ओके सेम ऐसे ही इनके अंदर पीडोजेनेसिस भी श्यो होती है जो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की गई है जो हम इसको जब नेक्स्ट लाइफ साइकिल बताएंगे तब बताएंगे पीडोजेनेसिस का मतलब इनका जो लार्वा है वो डायरेक्ट यंग वन को प्रोड्यूस कर देता है से नेक्स्ट जो लाइफ साइकिल आती है वो बनती हैं, है मैटा सर्करिया जो सर्केरिया होते हैं जैसे कि गॉट वगैरह खाती हैं या पिग्स वगैरह खाते हैं उनसे थ्रू ये उनकी बॉडी में चला जाता है सर्केरिया इज चेंज इन टू मैटा सर्केरिया अभी इसको दोबारा भी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट टासर्या मैटासकेरिया okay? जो होता है इट इज नाउ गिव राइज टू अडल्ट दिस वन ओके तो इस तरह लाइफ साइकिल चलती है सो so, इसकी लाइफ साइकिल में क्या क्या प्रेजेंट था एग्स जो थे वो एग्स से क्या प्रोड्यूस हुआ एग्स्फीकल मैटर के थ्रू वाटर में गए वाटर के अंदर उन्होंने क्या मेरा सीडियम बनाया मेरा सीडियम से वो स्नेल के ऊपर चिपक करके स्नेल की बॉडी के अंदर उन्होंने स्पोरोसिस्ट बनाया हेलो अंसारी एंड स्पोरोसिस्ट के बाद में रीडिया बनाया रीडिया से सरकेडिया सरकेडिया से मेटा सरकेडिया बहुत बार इनकी क्लासेस जो होती है बहुत बार इनका लेवल पूछा जाता है कि उनके बाद में क्या बनता है अब ये देखिए यहां पर इनकी महेंद्र हेलो इनकी क्लासेस को डिस्कस किया गया है सो so, इनको जो स्टार्ट किया गया है आप ये लगा लीजिए कि यहां से इनको माना गया है कि सपोज दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एम्ब्रुनेटेड एग स्टेज दिस इज द इसकी एम्ब्रियोनेटेड एग स्टेज है यहाँ पे ओके दिस इज एग स्टेज और एम्ब्रेटेड एग जो है वो फीकल मैटर के थ्रू बॉडी वेस्ट के थ्रू कहाँ चले गए वाटर में अब देखिए ये ब्लू ब्लू लाइन जो है ये वाटर को शो कर रही है इन वाटर से अब ये जो एम्ब्रोरेटेड एग है इन्होंने क्या बना दिया मिरासीडियम लार्वा बना दिया दिस इज मिरासीडियम लार्वे मिरासीडियम किसमें एंटर कर गया स्नेल में और स्नेल के अंदर जाते ही क्या? किस में चेंज हो गया सरकेरिया एंड तो और जो स्टेज थी वो कौन कौन सी थी अब यहाँ से ये जो स्टेज है स्नेल के अंदर बता रखी कि स्नेल के अंदर पहले स्पोरोसिस्ट बनता है फिर रीडिया बनता है रीडिया से सरकेरिया बनता है और सरकेरिया से फिर क्या बन जाएगा इट अंडरगोस अगेन द मेटासर्केरिया एंड दिस मेटा ऑन वाटर प्लांट इंजेस्टेड बाई ह्यूमन और शिप और कैटल और ये जो मेटासर्कैरिया है ये ना धुली हुई सब्जियों के थ्रू या फ्रूट्स के थ्रू बॉडी के अंदर चला जाता है ओके और हमारे इंटेस्टाइन के अंदर डिओडिनम वगैरह के अंदर जा करके फिर ये या पैटिक बिल जो बाइलरी सिस्टम होता है उसके अंदर जा करके फिर अटैच होकर ये कंप्लीट बन जाते हैं या फिर ये कैटल्स वगैरह की बॉडी के अंदर भी एंटर कर जाते हैं ओके नेक्स्ट इसके बाद में एक और इसमें ट्री में टोड़ा का एग्जाम्पल दे रखा है जो स्पेशली एग्जाम्पल दिया गया है शिप लीवर फ्लू का या हिपेटिका का जो शिप्स की लीवर के अंदर मिलती है तो ये भी एग्जाम्पल क्या शो कर रखा है कि जो लिवर है ऑफ द शिप उनके अंदर से उनके फीकल मैटर के थ्रू ये पास हो जाते हैं और उनसे फिर ये वेजिटेशन कोई भी जो ग्रीनरी होती है उनके ऊपर लग करके वहाँ अटैच होते हैं और वहाँ से फिर शिप के अंदर दोबारा चले जाते हैं क्या उनके एग्सिस्ट ओके okay, सो so इस तरह तो एडल्ट फ्लूक जो होती है लिव वो कहाँ रहती है इन द लिवर में रहती है वो इन द लिवर ऑफ द शिप एंड द एग्स आर पास्ड इनटू द फिकस ऑफ द शिप आफ्टर टू जनरेशन इनसाइड द स्नेल द सरकेरियाज इमर्ज सरकेरियाज जो है वो बन जाते हैं एंड दे ग्रो ऑन द वेजिटेशन और इसी वेजिटेशन को घास को दोबारा शिप खा लेती है ओके okay. <coughs> और अब हम आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल पे एंड दिस इज द ह्यूमन लिवर फ्लूक ओके एंड ह्यूमन लिवर फ्लूक जो है उसका साइंटिफिक नेम है क्लोनोरिस साइनेंसिस ओके ये कहाँ कहाँ मिलती है कॉमनली और क्या क्या इसके होस्ट होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है इट इज कॉमनली ऑब्जर्व इन ईस्ट एशिया जैसे कि चाइना जापान एंड द साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये मिलती है द अदर एनिमल्स जो इससे इन्फेक्ट होते हैं वो हैं जैसे कि कैट्स हैं डॉग्स हैं और पिग्स वगैरह के अंदर भी ये मिलती है और इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग टेन एम एम से थर्टी एम एम तक इसकी लेंथ वेरी करती है इन इट यूजली फाउंड इन द बाइल पैसेज जो हमारा लीवर होता है उसकी जो बाइल पैसेज की डक्ट्स होती है नॉर्मली वहाँ पर ये मिलता है ओके ऑफ द ह्यूमन एंड द अदर फिश ईटिंग मैमल्स जो भी फिश को खाता है नेक्स्ट द एग्स आर शेड इन टू द वाटर विद फीकेस इनके जो एग्स होते हैं वो वाटर में मिलते हैं किसी पर्टिकुलर कैट डॉग पिग ह्यूमन के फीकेस के थ्रू ये बाहर चले जाते हैं बट डू नॉट हैच अंटिल दे आर इटन बाय सर्टेन स्नेल और इनके जो एग्स हैं वो तब तक हैच नहीं होते तब तक वो पर्टिकुलर किसी स्नेल के अंदर न चले जाएं। और वहां पर जाकर के द सर्करिया एस्केप इंटू द वाटर और ये जो सर्केरिया है इट नाउ एंटर इन टू एमर्ज इट्स नेक्स्ट स्टेज ओके एंड इट्स एंटर इट इंटू द मसल बाय स्पेशल बोर एक पर्टिकुलर बोर की हेल्प से एक पर्टिकुलर छेद की हेल्प से जो सर्केरिया है इट कैन चेंज इंट मैटा सर्केरिया वेन यूर द मैमल्स ईट ए इंफेक्टेड फिश इसका मतलब ये इन्फेक्टेड फिश से किसी भी इन्फेक्टेड फिश से ये किसके अंदर एंटर करता है किसी नेक्स्ट वर्टीब्रेट के अंदर एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स फेकेस और ये फेकिस कहाँ पे हैं वाटर के अंदर है ओके okay. सो so ये जो मेटा सर्करिया है मेटा सर्करिया जो सिस्ट होती है डिजोल्व इन द इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन के अंदर यह डिजोल्व होता है और उसके बाद भी एंड द यंग लिवर फ्लुक माइग्रेट अप टू द बाइल डक्ट और ये जो है फिर ये बाइल डक्ट तक मूव करता है एंड द बिकम एडल्ट और बाइल डक्ट के अंदर जाकर के वो बहुत बड़े हो जाते हैं और लगभग वो पंद्रह से तीस साल तक भी हमारी बाइल डक्ट के अंदर रह सकते हैं ए हैवी इन्फेस्टेशन ऑफ द लीवर फ्लुक कैन डिस्ट्रॉय द लीवर ऑल्सो एंड रिजल्ट इन द डेथ ऑल्सो ओके सो इट इज कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रॉइंग द स्नेल एंड थ्रो द कुकिंग ऑल द फिशिज अब आप कहेंगे कि इतनी ही डेंजरस है तो इसको हम रोक कैसे सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द स्नेल्स की जितने भी स्नेल्स हैं एक पर्टिकुलर ऐसे एरिया में जहाँ पे हम हमारा फूड लेके आते हैं तो वहां से उन स्नेल्स को खत्म कर दो या फिर जो हम फिश खा रहे हैं वो फिश हमारी प्योरली कुड हो ताकि उनके अंदर अगर एग्स हैं अगर उनके अंदर लारवाज है सरकेरिया मेटा सरकेरिया लारवाज हैं तो वो क्या हो जाएं डाई हो जाएं ओके okay? सो so, यहाँ पर ये यह दिखा रखी है ये यह, यहाँ पर इन्फेस्टेशन दिखा रखा है इसका लिवर हिपैटिक अंदर, सो so, ये देखिए ये क्या था स्नेल जो था इसका फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट होता है एंड द एग्स इंजेस्टेड बाय स्नेल्स जो एग होता है वो एग जो है वो स्नेल के थ्रू वेजिटेशन से वाटर से ले लिया जाता है और वहां से फ्री स्विमिंग सर्केरियाज जो होते हैं वो क्या करते हैं दे एंटर द लीव द स्नेल एंड पेनीटेट द फ्रेश वाटर फिश स्नेल से वो कहाँ चले जाते हैं फिश के अंदर चले जाते हैं फिश इज एक्टिंग एज अ सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट फॉर दैन और इस रॉ फिश को इस रॉ या अनकुकड फिश को अगर मैन खाता है तो फिर ये मैन के लिवर में या किसी भी डॉग है कैट है उनके बॉडी में ये चले जाते हैं क्लियर नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है ट्रीमेटोडा में दैट इज द ह्यूमन ब्लड फ्लूक जो ह्यूमन के ब्लड के अंदर जो ब्लड फ्लूक मिलते हैं दैट इज अ साइजोस्टोमा एंड इट इज कॉजिंग ए डिजीज दैट इज नोन एज साइजोस्टोमसिस इट इज वेरी डेंजरस डिजीज जिसकी वजह से लगभग हर साल 200 मिलियन पीपल इन्फेक्ट होते हैं अफ्रीका अमेरिका वगैरह के ओके okay. सो so, इनके भी एग्स जो होते हैं वो फीकल मैटर के थ्रू ही नेचर के अंदर आते हैं वाटर के थ्रू मिरासीडियम बनता है और मिरासीडियम इनका जो होता है वो कैसा होता है सिलिएटेड लारा होता है जो पर्टिकुलर स्नेल के अंदर एंटर करता है स्नेल से जो सरकेरिया है वो स्विम करते हुए ह्यूमन स्किन की ह्यूमन की स्किन के अंदर बोर कर जाते हैं और ह्यूमन स्किन पर दे कॉल साइजोस्टोमसिस और वहाँ से दे एंटर इनटू द ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर कर जाते हैं और ब्लड वेसल्स के अंदर वो डेवलप करते हैं और वहां से घूमते घूमते दे ऑल्सो रीच टू लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन यूरिनरी ब्लैडर कॉजिंग द एसबेसिस ब्लडर्स एज एज द एबडोम पेन इन द बॉडी ओके सो ये लाइफ साइकिल बता रखी है सपोज यहाँ पर ये जो लारवास थे ये लारवा वाटर के अंदर थे ह्यूमन इन्फेक्टेड लार्वा एंड इज मिरासीडियम लारवा एंड ये ह्यूमन की स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर पोर कर जाते हैं और स्किन में से जा कर के ये ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर कर जाते हैं और वहाँ जाकर के इच द दिलियटेड मिरासीडियम लार्वा और फिर यहाँ से हो सकता है कि फीकस मैटर के थ्रू ह्यूमन में तो फ्लो कर ही रहा है और वहां से ये स्नेल के अंदर भी एंटर कर जाता है और स्नेल से फिर अगेन दोबारा ये लाइफ साइकिल ऐसे कंप्लीट करता रहता है एंड इट कॉज द साइजोस्टोम यहाँ पर इसकी डायग्राम स्ट्रक्चर दिखा रखा है कि इसकी मेल और फीमेल जो बॉडी है वो पार्शली अटैच रहती हैं इसमें जो मेल है वो बड़ा होता है और फीमेल होती है उसकी गायनेकोफोरिक कैनाल के अंदर वो अटैच रहती है क्लियर नेक्स्ट एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज दर फॉर्म ऑफ द साइजोस्टोम जिसको हम बोलते हैं साइजोस्टोमा डरमेटिस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज स्विमर्स इचिंग स्विमर्स जो होते हैं उनमें भी इनके जो लारवाज होते हैं वो स्किन के थ्रू एंटर कर जाते हैं वेरियस ऑफ द साइजोस्टोम कैन पेनिट्रेट द स्किन ऑफ द ह्यूमन एंड कॉज द इन इंटेंस ईचिंग एंड रैशेज ऑन द बॉडी दीज आइजोस्टॉम्स डू नोट रील हार्म बिकॉज द ह्यूमन्स आर नॉट द डेफिनेटिव होस्ट बहुत बड़ा डेंजर हमारी बॉडी की स्किन को नहीं करते ये क्योंकि वी आर जस्ट एज ए इंटरमीडिएट होस्ट वी आर नॉट इट्स डेफिनेट होस्ट डे स्टूडेंट स्ट। आप मुझसे ये पूछेंगे कि डेफिनेट होस्ट क्या होते हैं डेफिनेट होस्ट वो होते हैं जिसके अंदर इनकी सेक्शुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है जिनके बिना इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही ना हो पाए तो उनको बोलते हैं ओके ओके okay? उसके बाद में इसकी क्लास है की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मोनोजीना के क्या क्या होते हैं मोनोजीना आर द एक्टोपैरासाइट प्राइमरली ऑफ द फ्रॉग एंड द फिशेस के अंदर मिलते हैं एंड दे द डायरेक्ट लाइफ साइकिल एज ए सिंगल होस्ट दे आर नॉट यूजिंग द ड्यूबल होस्ट देट है ओनली हैव द सिंगल होस्ट इनके अंदर जो लार्वा होता है वो ओंकोमरा सीडियम लार्वा होता है जो एक टाइप का सीलिएटेड लार्वा होता है एंड इट अटैच द होस्ट गिल्स विद द पोस्टीरियर हुक्स विद बिकम अटैच टू दर्गन एंड उसी की वजह से ये वहाँ से शक करते रहते हैं अपने न्यूट्रिशन को ओके okay? और यहाँ से जहां से वो अटैच करते हैं उस अटैचमेंट पॉइंट को बता बोलते हैं हम इसका ऑफिस थे और व्हाट इज ऑफिस थे मोनोजीन्स एंड पैरासाइट्स कैन बिकम सीरियस पेस्ट ऑफ द फिश फार्मिंग ये मेनली जो प्रॉब्लम कॉज करते हैं वो फिश फार्मिंग में प्रॉब्लम कॉज करते हैं क्लियर अब हम आते हैं इसके ऊपर से questions definitely आता है कि जो सिस्टोडा है या तो इनकी क्लासिफिकेशन से आता है की कि कौन सी सिमिट्री है ये हो या फिर सिस्टोडा में से इनको एग्जाम्पल पूछा जाता है ओके एनी क्वेश्चन what you want to ask okay we are discussing the next class and that is the cystoda or cystoda may jo main characters hain wo kya hain इनकी body के ऊपर hooks present होते हैं suckers present होते हैं और ये जो दिख रहे हैं ये क्या है इनके होते हैं ये मैच्योर इमेच्योर प्रोग्लॉटेड भी होते हैं अभी डिस्कस करते हैं so, सिस्टोडा की बॉडी कैसी होती है वेंट्रली फ्लैट होती है चिपकी हुई है फीते जैसी होती है ओके okay? एंड पूरी बॉडी के अंदर फॉल्स सेगमेंटेशन होती है इसीलिए इनके फॉल्स सेगमेंटेशन मतलब बॉडी बाहर बाहर से अटैच होती है नेक्स्ट ईच सेगमेंट को बोलते हैं प्रोग्लॉटेड जो ये इसके माउथ की साइड होता है एंड ए कंटेन सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसी के अंदर ही टेस्टिस इसी के अंदर ही ओवरी प्रेजेंट होती है ए चेन ऑफ प्रोगेड इज नोन एज द स्ट्रोबिला ये ये टूट टूट करके इनके अंदर एग्स भर जाते हैं और ये टूट टूट करके हमारे वेस्ट के बॉडी वेस्ट के थ्रू बाहर निकलते रहते हैं तो एक इतना स्ट्रेच जो टूट जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रोबिला प्रोग्लोटेड ओरिजिनेट इन एन एरिया दैट इज़ नोन एज अ जर्मिनेटिव जोन

आगे जो स्टार्टिंग के प्रोग्लोटेड हैं यहीं पर ही इनका सब कुछ डाइजेशन वगैरह होता है ये बाद के तो जो है ये क्या होते हैं फिर बॉडी सरफेस से लेते रहते हैं नेक्स्ट दे नो नो स्टमक नो इंटेस्टाइन एंड दे एज स्कोलैक्स ये वाला स्कोलैक्स रीजन होता है होल्ड फास्ट रिच इज लोकेटेड इन हेड रीजन एंड इट इज द ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट कौन सा होता है कोलेक्स होता है इसमें है दैट हैविंग द हुक्स एज वेल एज द सक्कर्स फॉर अटैचमेंट इन द इंटेस्टिनल वॉल ओके नेक्स्ट ऑलमोस्ट ऑल द सिस्टोड्स रिक्वायर द टू होस्ट द अडल्ट लिव्स इन द इंटेस्टाइन एंड दैट इज नोन एज द डेफिनेटिव होस्ट इसके अलावा एक इनको इंटरमीडिएट होस्ट भी चाहिए होता है एंड दे ऑलमोस्ट वन थाउजेंड स्पीसीज ऑफ द टेप दॉम दैट इज नोन एज द इन्फेक्टिंग ऑलमोस्ट ऑल द टाइप ऑफ ऑफ द जैसे कि जो इसमें बताया जाता है वो कौन सा बेसिकली टीनिया सोलियम का एग्जाम्पल बेसिकली बताया जाता है द एग्जाम्पल इज ऑफ बेसिकली टीनिया सोलियम सो so, अब हम आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल मोस्ट दैट इज द टीनिया सेजिनेटा या बीफ टेप वम इसे पहले इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं ये कैसे ग्रो करती है बॉडी के अंदर सो so, एक पर्टिकुलर ह्यूमन बींग जो है जो अनहाइजेनिक फूड खा रहा है उसकी बॉडी के अंदर ये ग्रो करते हैं उसके इंटेस्टाइन में ये ग्रो करते हैं और ये जो प्रोग्लोटेड है जिसके अंदर इनके जयगोट है अब जयगोट कहाँ से आए क्योंकि इनकी बॉडी के पासपम्स भी थे एग्स भी थे तो वो फर्टिलाइज कर पाते हैं और ये जो मेच्योर ग्रेविड ग्लोटेड होते हैं, ये टूट टूट करके फीकस के थ्रू बाहर आते रहते हैं। ये वेजिटेशन के ऊपर चिपक जाते हैं बॉडी वेस्ट जो इनका था और फिर इनको कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट खा लेता है जिसमें ये फिर ग्रो करते हैं अब आते हैं इसकी स्टडी के ऊपर सो बीफ टेप जो है वो कैसे ग्रो करती है दिस टेप इज फाउंड एज एन अडल्ट इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन ओके नेक्स्ट द जोनाइल फॉर्म इज फाउंड इन द मसल टिश्यू ऑफ द केटल क्योंकि बीफ कहाँ से बनेगा कैटल्स से बनेगा ना तो कैटल्स की मसल्स के अंदर इसकी ज्योनाइल फेज मिलती है द मेच्योर अडल्ट कैन रीच ओवर दर्टी फीट इन देंथ विद ओवर टू हंड्रेड प्रोग्लॉटेड ओके पूरी लेंथ में इसमें लगभग दो सौ प्रोग्लॉटेड इसके अंदर मिलते हैं ओके नेक्स्ट एंड नेक्स्ट इज द ग्रेविड प्रोग्नोटेड आर पास्ड इन द फीकल मैटर एंड आर क्रॉल्ड आउट एंड ड्राई एंड रप्चर ये बॉडी के बाहर आ जाते हैं कि जो ग्रेविड होते हैं ये सूख जाते हैं और रप्चर हो जाते हैं जिनमें से इनके एम्ब्रियोस बाहर निकल आते हैं घास वगैरह पे चिपक जाते हैं

बीफ दैट इज मे बी रोस्ट बीफ दे मे बी फ्रॉम द स्टीक्स एंड द बारप्यूक्स ओके सो ये लाइफ साइकिल थी उसके बाद में नेक्स्ट आता है इनके अंदर देट इज द पोर टेपवम पोर टेपवम दैट इज ऑल्सो नोन एज द टीनिया सोलियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज मोर कॉमन एज कम्पेयर टू द बीफ टेप वम वट इज इट शोइंग टेप वम लिवज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन और इसकी लाइफ साइकिल के ऊपर हमेशा हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ऑलवेज ओके okay, इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं पहले ये कैसे डेवलप करता है सो so, इसकी लाइफ साइकिल जो है सो so, इसमें कौन कौन सा होता है एडल्ट टेप इन मिंदा गट मैं इसको ड्रॉ करती हूं एक बार टीनिया सोलियम और टीनिया सोलियम की जो लाइफ साइकिल है एंड इट इज शोइंग द अडल्ट टेप हम मान के चल रहे हैं कि अडल्ट टेप है अडल्ट इन ह्यूमन गटमन की गट में आया हुआ है वो हम मान के चल रहे हैं और ह्यूमन की गट से फिर फर्टिलाइज ओवा जो है मेच्योर प्रोग्लोटेड से बाहर निकल जाते हैं मेच्योर मैच्योर, मैच्योर थ्रू ये जो है बाहर निकल आते हैं और इनके अंदर क्या होते हैं फर्टिलाइज ओवा होते हैं फर्टिलाइज ओवा होते हैं एंड दे कम आउट ऑफ द बॉडी एंड दे कंटेन कैप्सूल कंटेनिंग Zygotes, इन gravid, gravid वो होते हैं जो बहुत last वाले होते हैं जिनके अंदर egg fertilize हो जाता है इन ग्रेविड proglottid कैप्सूल बन जाते क्योंकि नेचर में जाकर के वो उनको डाई नहीं होना होता उसके बाद में बनता है इनमें ओंकोस्फियर लार्वा ओंकोस्फियर लार्वा किसमें ग्रेविज के अंदर एंड ओंकोस्फियर जो है अब ये किसके थ्रू खा लिया जाता है मान लीजिए इस वेस्ट को किसी पिग ने खा लिया ईटन बाय पिग ओके और ओंकोस्फियर एंड दिस ओंकोस्फियर कंटेन हैगजाजेंथ फियर कंटेन हेक्जाजेंथ फोम हेक्साजेंथ फोम ओके एंड हेक्साजेंथ पेनीट्रेट पेनीट्रेट द गट ऑफ पिग एगा तो एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा ना भाई एलिमेंट गट ऑफ पिग नेक्स्ट गट से कहा चला गया ब्लड ऑफ पिग ब्लड ऑफ पिग में और ब्लड से कहा चला गया मसल्स में और मसल से कहा चला गया एंड अब ये जो हेक्साजेंट है ये डेवलप कर जाएगा hexazent. डेवलप इन टू सिस्टी सर्की लारवास्टी सर्की लारवा एंड सिस्टी सर्की अब इस स्टेज को ह्यूमन बींग खा लेगा और ये कहा चला जाएगा ह्यूमन गट के अंदर इट एंटर इंटू ह्यूमन गट ह्यूमन गट एंड ह्यूमन गट में जाकर के ये अडल्ट में डेवलप हो जाता है इन ह्यूमन तो ये लाइफ साइकिल थी चीनिया सोलियम की कंप्लीट लाइफ साइकिल क्लियर भाई ओके नेक्स्ट अब आता है पोर टेपम इन द्रेन अगर इस पोर टेफम को ह्यूमन ब्रेन के अंदर देखें तो अगर उसका हम स्कैनिंग देखें तो स्कैनिंग में इस तरह होल्स दिखते हैं ब्रेन के अंदर ओके उसके बाद में नेक्स्ट आता है फिश टेपम एंड इट इज़ नॉट फॉर द नीट परपज़ सो ये इसका एग्जाम्पल दे रखा है दैट इज फाउंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द फिश क्लियर भाई सो ये कंप्लीट होता है हमारा प्लेटी हेलमेंथिस एंड प्लेटी हेलमेंथिस के अंदर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिस कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा हेलो बेटा रीना बाकिया यू आर लेट Ifas you also late. Okay bye Vita. Good night to all of you.